नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे पुराने चैनल गोपाल संगीत पे। और ये नए चैनल पे अभी एक वीडियो चल रहा है, एक एडवांस अलंकार जो पहले भी मैं आप लोग के लिए भेज चुका था, आज उसके साथ एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये अगर आप कर लिए, ये आपने अगर ऑब्जर्व कर लिया और प्रैक्टिस में शामिल कर लिया जो चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ, तो समझिए आप निश्चित रूप से आपका एक लेवल, आपका एक ज़बरदस्त लेवल होने वाला है। ओके, अलंकार क्या है रिमाइंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ, नए चैनल पे पूरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बंदिश के साथ कैसे अटैच करके गाना है ये सिलसिला अभी चल रहा है वहाँ पे, तो नए चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन ये पूरा देखिए। और टेंथ हार्ट में ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करने लगे तो समझिए बेरा पार है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे अलंकार क्या है, सिंपल अलंकार है, चार लय बनाना है, यही कमाल की बात है। चारों लय में खास बात है, चार लय बनाना है ये एक बात है, लेकिन चारों लय में खास एडिशन करना, एडवांस लेवल का एडिशन करना, कर्ण स्वर लगा के और थोड़ा झाला लगा के इस हिसाब से अगर करते हैं तो उसकी एक अलग पहचान होती है और फास्ट फिंगरिंग ज़बरदस्त। तो पहले अलंकार क्या है ये देखिए, अलंकार है सा रे गा मा, ध्यान में आ गया होगा, रे गा मा गा मा पा, ये अलंकार है। अगर इस अलंकार को पूरा विधिवत रूप से सीखना चाहते हैं तो नए चैनल पे जाके पूरा अच्छा सीख जाइएगा। जो आदमी जानते हैं, पुराने लोग हैं, उनके लिए ये है कि इसका चार लय बनाना है। चार लय कैसे बनाना है, जैसे एक बीट कायम करिए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन। अब स्लो जब हम करेंगे, ये बीट हो गया, स्लो करेंगे तो क्या करना है, दोगुन करेंगे तो क्या करना है, और चौगुन और अठगुन यहाँ तक जाना है। अगर इतना कर ली तो उसके बाद तो आपका जवाब नहीं है। जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ और कैसे कैसे मैंने किया है ये भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ध्यान से देखिए, ऐसे स्लो में क्या हो रहा है इसमें ये देख लीजिए, फिर सेकेंड और बड़ी बहुत मजा आने वाला है, चारों लय, ये फर्स्ट लय, वापस आइए, क्या कर रहा हूं मैं इसमें ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले अवरो में आइए, हर एक स्वर का अपना कॉर्ड है, बहुत बार बताया हूँ, सा का कॉर्ड सा गा पा, रे का कॉर्ड रे मा धा, ग का कॉर्ड ग पनी रे मा, फिर मा धा सा, फिर प के लिए पनी रे, ये भी ले सकते हैं। ये कॉर्ड का भी बहुत है, मैंने आप लोग के बीच एक्सप्लेन किया और इसका भी वीडियो आपको मिलेगा नए चैनल पे, कॉर्ड के साथ कैसे इस अलंकार को बजाना है, ताकि ये पैटर्न जब स्लो में गाएंगे तो बीच बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, जो गैपिंग पॉइंट आ रहा है, जो सिंपल सा पॉइंट जगह मिल रहा है आपको छोटा सा, उसमें कॉर्ड ले रहा हूँ सा रे, तो सा में सा गा कट, सा रे गा रे, ऐसे सा रे गा रे सा रे गा मा, बीच में सा, आवाज़ रुक नहीं रहा, ये ध्यान दीजिए आवाज़ नहीं रुक रहा है, सा सा ऐसा है, सा रे गा रे कंटिन्यू, बीच का पॉइंट यानी कि जो लंबा हम खींच रहे हैं उतना दूरी में कॉर्ड ले रहे हैं, ओके, उतना ही देर के अंदर कॉर्ड, ये फर्स्ट लय हो। अब ये बीट वही चल रहा है, 1 2, सेकंड करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ
एक्स्ट्रा हो रहा है, वो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? अगर सिंपल बजाएंगे इस लय में तो ऐसा साउंड आएगा, ये दुगुन का लय है, सिंपल बजाएंगे तो ऐसे आएगा। सारी गरी सारी गमा, लेकिन ये सिंपल नहीं बज रहा, क्या बज रहा है? सारी गरी सारी गमा, कर्ण स्वर लग रहा है, अलग नोट लगा के आ रहा है। तो या तो बगल के नोट से लीजिए, शुरुआत दिनों में यही प्रैक्टिस होगा। एक होता है कॉर्ड के सहारे भी लेना, आप बगल के नोट का कर्ण लीजिए, सा में आ रहे तो रे का कर्ण लीजिए, सा रे, सिंपल समझ आइए, आप प्रैक्टिस से इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अब तीन नोट में क्या क्या हो रहा है, सा ले रहे तो रे के कर्ण से, ग ले रे ले रहे हैं तो ग के कर्ण से, ग ले रहे हैं तो म के कर्ण से, म लेंगे तो प के कर्ण से। ऊपर या नीचे ज्यादा तो अच्छा लगता है ऊपर का कर्ण लगाना, जैसे अब सिंपली देख लीजिए, फिर लय में ले चलेंगे, ऐसे। अब यहाँ ऑलरेडी ग पे हैं, सिंपल भी ले सकते हैं, सारी गरी रे में आएंगे, रे का मा गा। अब यहाँ जिसका कर्ण लेना है वही नोट में बजा रहा हूँ, तो सीधा उतर जाइएगा, रे का मा गा, रे का मा पा पा पा, ऐसा करके ये दोगुन लय। तो फर्स्ट लय में कॉर्ड लिए, फर्स्ट लय और सेकेंड लय देखिए, उसके बाद थर्ड और फोर्थ मजा आएगा, वो दोनों में सिंपली स्पील करना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट में क्या किए थे कंटिन्यू में एक बार देख लीजिए, फिर मजा आने वाला। ऐसे सारे गरे सारे गमा रे गमा रे गमा गमा गमा, अलग नोट का भी, तीन तीन नोट का भी कर्ण लगा सकते हैं, आदत की बात होती है। ओके, सारे गरे सारे कोई जरूरी नहीं कि अल्टरनेट नोट का ही कर्ण, कोई ना कोई कर्ण लगाना है, अल्टरनेट हो और फिंगरिंग में अगर ऊपर, जैसे या मैंने ध के लिए सा का कर्ण लगाया, ऐसा लगाया, ऐसे सानी रानी सानी धा पानी धा बदनी धा।
चार लय जिनका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट में कॉर्ड लगाना है, सेकंड में कर्ण लगाना है, थर्ड और फोर्थ बीट को सिंपली फिंगरिंग लीडिंग के साथ करना है। तो इतना कर लीजिएगा, नए चैनल पे जाइएगा तो इसी अलंकार को मैं बंदिश के साथ अटैच करके लय कंट्रोल के ख्याल से बताया हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।